किसी कवि की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर बात मुझे लगी। उसने कहा, सरहिंद के जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है, एक छोटा भाई एक बड़ा, उस दृश्य का स्मरण करना। और छोटे भाई के मुख पर जब दीवार आई तो बड़े भाई की आंख से आंसू गिरा और छोटा भाई पूछता है कि बड़े होकर भी आप रोते हैं? तो बड़े भैया क्या उत्तर देते हैं कि इसलिए नहीं रोता, रोता इसलिए हूं कि तेरी शहीदी मुझसे पहले हो रही है जबकि तू मुझसे छोटा है। जिनकी लाशों पे हम लोग खड़े हुए हैं, उनके बलिदानों पे हम लोग खड़े हुए हैं, वो गले कटा गए तो हमारे तिलक बचे हुए हैं। और वो चीज लोगों ने पसंद की, वो आध्यात्मिक गुरु वहां पे जो हिंदुत्व की सीख दे रहे हैं, सत्य सनातन धर्म की सीख दे रहे हैं अपने भक्तों को, मेरा नाम लेके, नाम मतलब कि शुभम तो नहीं बोला उन्होंने, बोला किसी कवि की, हिंदू कवि की पंक्तियां हैं, उन्होंने भरी सभा में अपने भक्तों को अपने वहां प्रवचनों में ये पंक्तियां बोली और बोला कि छोटे छोटे साहबजादे जब सरहिंद की दीवार में जिंदा छिन गए, तो एक हिंदू कवि बोलता है कि जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। आप सोचिए जोहम जी, धर्म गुरुओं का, आध्यात्मिक गुरुओं का हमारे देश में क्या महत्व है। उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती है, उनको सुन के तो शुभम बनते हैं। आज मेरे लिए कितनी बड़ी ये भगवान का आशीर्वाद है कि मेरी पंक्तियां धर्म गुरु इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी पंक्तियां आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं, तो ये सब भगवान का आशीर्वाद है। तो बहुत ही अच्छी लाइन है आपकी। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सिख समाज के लोगों को, या उनसे बनने वाले जोक्स को रोकने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज ईश्वर के आशीर्वाद से ये कविता की पंक्तियां, जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु लाखों लाखों की भीड़ में बोल रहे हैं, तो ये चीज़ अपने आप वहाँ पे जा रही है। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे हर बार लोग ये कहते हैं गुरुद्वारे में बुला करके या हिंदू मंचों पे भी कि शुभम बेटा, जो तुमने अभियान चलाया है इस देश में बाल दिवस साहबजादों के नाम पे हो, इस कविता के माध्यम से कह रहे, जिस दिन सरकार ये घोषित करेगी तुम्हारे को बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, वहां से आशीर्वाद बरसाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो बहुत तुच्छ सा प्राणी हूं, मैं बहुत तुच्छ सा जीव हूं, मेरी क्या औकात है सरकार से ये दिवस स्थापित करवाने की। लेकिन हाँ, जिस दिन अगर ऐसा होता है, भगवान करे ऐसा बहुत जल्दी हो, क्योंकि हम बाल दिवस किसके नाम पर मना रहे हैं? जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी पीठ पर एक कोड़ा नहीं खाया, क्या योगदान था उन लोगों का? वो तो ट्रेन में बच्चे कटवाए हैं उन्होंने, लाशें कटकट के आई हैं पाकिस्तान से, उनकी लाशों पे तो उन्होंने अपनी सत्ता की कुर्सियां हासिल की थी। हम बाल दिवस उनके नाम पे क्यों मनाएं? अगर मनाना है तो हाँ, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी के नाम पे मनना चाहिए। ये मेरा शुरू से अभियान है और भगवान करे जिस दिन ये हो जाएगा, मैं कहीं भी होऊंगा पता नहीं, उस टाइम पे जी रहा होऊंगा, मर चुका होऊंगा, लेकिन हाँ, दिल से एक खुशी मुझे होगी कि शायद इस पावन पुण्य अभियान में सरस्वती के इस बेटे का भी रत्ती भर कोई सहयोग रहा होगा। बस जब जब दीवार चिन रहा था वो जल्लाद, एक छोटा भाई एक बड़ा, उस दृश्य का स्मरण करना। और छोटे भाई के मुख पर जब दीवार आई तो बड़े भाई की आंख से आंसू गिरा और छोटा भाई पूछता है कि बड़े होकर भी आप रोते हैं? तो बड़े भैया क्या उत्तर देते हैं कि इसलिए नहीं रोता, रोता इसलिए हूं कि तेरी शहीदी मुझसे पहले हो रही है जबकि तू मुझसे छोटा है, तेरी शहादत मुझसे पहले हो रही है क्योंकि तू मुझसे छोटा है। इस प्रकार के बलिदान पर सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है, सच पूछिए ऐसी ही बस किसी नींव पर सत्य सनातन धर्म खड़ा है। आप भूल गए, इसीलिए मैंने कहा व्यासपीठ का काम है जगाना। मैं तो डंडा बजाकर कहूंगा जागते रहो, और इस भाव से कहूंगा हो सकता है कोई एक जग जाए। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए, धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई। एक मिनट के लिए भूल जाइए कि दिल्ली से आपका बेटा शुभम आपके बीच आया है। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि यहां मेरे हाथ पे बाबा फतेह सिंह जी खड़े हुए हैं, मेरी बाईं तरफ आपकी दाई में, और यहाँ बाबा जोरावर सिंह जी खड़े हैं। मेरे को भूल जाइए और कल्पना कीजिए जब वो दीवार बननी शुरू हो रही है, वो क्या दृश्य होगा।
कि ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए, धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो, डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो। अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, क्या कहा होगा बड़े भाई ने बाबा जोरावर सिंह जी ने, कि डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो। अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। कि डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में संग जी, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था।